2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने इस बार व्हाट्सएप पर आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई है। पिछले 5 सालों में भाजपा ने इसे एक सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है और इस बार युवाओं पर नजर रखते हुए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन पर जोर देकर कम्युनिकेशन चेन बनाने का निर्देश कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया है। इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। 2019 के आम चुनावों में युवा मतदाताओं, खासकर पहली बार वोट करने वाले नवयुवकों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए भाजपा ने रणनीति बना ली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसके लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर समेत सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयरइट, लिंक्डइन का इस्तेमाल करेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार टेलीग्राम का भी इस्तेमाल कर अपनी बात युवाओं तक पहुँचाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों चेन्नई में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि नई तकनीक का इस्तेमाल कर युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाएं। इसके बाद पार्टी ने उनके सुझाव पर ऐसी रणनीति बनाई है। साल 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी पार्टी ने जमकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था और आम जन तक वैकल्पिक मीडिया का इस्तेमाल कर अपनी बातें पहुँचाई थी। इसमें पार्टी की नीति से लेकर विभिन्न मुद्दों पर दृष्टिकोण तक की बातें वोटरों से साझा किए गए थे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उसी दिशा में बढ़ते हुए अब सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पहुंच का दायरा अधिक से अधिक लोगों तक हो सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए भाजपा इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल्स को हायर करेगी। ये लोग पार्टी के विजन, मोदी सरकार की उपलब्धियों और आगे की नीतियों को सोशल मीडिया पर इंफोग्राम, वीडियो या मैसेजेस के रूप में प्रसारित करेंगे। पार्टी ने इस बार प्रश्नोत्तर की तरह इस्तेमाल होने वाली साइट क्वेरा को भी इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए पार्टी ऐसे लोगों की सेवा लेने पर विचार कर रही है जिन्हें भाजपा की आर्थिक नीतियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था की समझ हो और इससे जुड़े पूछे जाने वाले सवालों का तेजी से जवाब दे सकें। भाजपा मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया की मुहिम का जोरदार उपयोग भी करना चाह रही है। इसके लिए पार्टी ने अपने साइबर वॉरियर्स को भी तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। साइबर वॉरियर्स पहले से ही मोदी सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा सोशल मीडिया पर पेश करते रहे हैं और उसे प्रसारित करते रहे हैं। नई रणनीति के तहत भाजपा के सोशल मीडिया वॉरियर्स सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म पर विकास की गढ़ती कहानी का त्वरित वीडियो, फोटोग्राफ, इंफोग्राफिक्स और कार्टून्स अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध कराएंगे ताकि गांव-गांव तक भाजपा की हवा बनाई जा सके। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के विकास के एजेंडे के अलावा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से भी जुड़े संदेश युवाओं को भेजे जाएंगे। पार्टी इन कार्यों के लिए करीब 500 से 1000 लोगों को हायर करने की रणनीति पर काम कर रही है जो 2019 के चुनाव तक लगातार बीजेपी के वॉर रूम में काम करेंगे। भाजपा की राज्य इकाइयों के पास व्हाट्सएप यूजर्स का बड़ा डेटा है जिसके जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाती रही है। इस बारे में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि अगर वो चाहें तो चंद सेकंड में लाखों लोगों तक संदेश फैला सकते हैं। भाजपा ने राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर, प्रखंड स्तर, बूथ स्तर और पन्ना प्रमुखों तक व्हाट्सएप के जरिए अपनी पहुँच बना रखी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2019 आम चुनावों में भाजपा की ये आक्रामक नीति फिर से पार्टी की साख कायम रख पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।